regarding sanitation of Katra, regarding medication to poor and food for poor, regarding education for poor. और मैम हमने कुछ गरीब लड़कियों की शादी भी कराई है, लेकिन अब मैं वो सब तो नहीं गिनवाऊंगा, लेकिन मैम तीन इश्यूज पे मैं यहाँ बात करना चाहता हूँ क्योंकि आप यहाँ आए हैं. और मैम प्लीज इसको नोट कीजिएगा, क्योंकि पहला इशू जो रहेगा, 2 years back आई आस्क्ड ए क्वेश्चन टू द एडवाइजर के शर्मा जी कि सर हमें यहाँ पे साफ पानी पीने के लिए क्यों नहीं मिलता. अगर हम इसे आइकॉनिक सिटी बना रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बात की बात है, द बेसिक एमिनिटी दैट वी आर ड्रिंकिंग एवरी डे इज फुल ऑफ डर्ट, इज फुल ऑफ एनिमल वेस्ट. और जो पानी हम पीते हैं वो बरसात में एनिमल डंग से भरा हुआ होता है, जब वो हमारे नल से वो पानी आता है. मैम आज तो मैं यहाँ पे आपके साथ एक्वाफिना पी रहा हूँ, बट आई कॉन्ट अफोर्ड इट ऑन एवरी डे बेसिस, एंड लाइक मी काफ़ी सारे इसको अफोर्ड नहीं कर पाते कटरा में, एटलीस्ट 90% लोग. और मैम यहाँ का जो फिल्टर प्लांट है, अगर आप उसको देख लेंगे तो आप जिस होटल में आज रुके मैम, क्योंकि मैं एक सोशल वर्कर भी हूँ और मैंने लास्ट ईयर इसको कवर भी किया था, मैं मीडिया से भी बिलोंग करता हूँ मैम. तो मैम पानी का ज़रूर जिक्र कीजिए, क्योंकि 2 साल हो गए हैं जब के शर्मा सर ने मुझे कहा था कि इसका उनको पता नहीं है, लेकिन आफ्टर 2 years नथिंग हैज़ बीन डन इन दैट वे. मैम दूसरा जो इश्यूज आता है वो मैं होटलियर्स की बात करूँगा. मैम पेंडेमिक आया, सब कुछ बंद हुआ, क्या बंद नहीं हुआ, होटलियर्स को ये जो पॉल्यूशन डिपार्टमेंट का है उनके नोटिसेस आने. मैम एसटीपी का जो इशू है वो एक बड़ा स्ट्रेटेजिक इशू है. वो क्यों स्ट्रेटेजिक है, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड इन जस्ट 1 मिनट. मैम हमारे यहाँ पे समझ लीजिए वार्ड नंबर 10 में, अगर मैं वार्ड नंबर 10 का हूँ तो 5 बड़े होटल्स हैं और 10 छोटे गेस्ट हाउसेज हैं. वो 5 बड़े होटल्स एसटीपी लगवा रहे हैं, लेकिन वो 10 छोटे गेस्ट हाउसेज एसटीपीज नहीं लगवा रहे हैं. तो इसका मतलब यह है प्रॉब्लम रिमेन्स द सेम, वी आर नॉट गेटिंग द क्लीन वाटर आउट ऑफ द होटल्स. अब मैम दिक्कत क्या है, कटरा के लिए पहले भी ये प्रपोज किया गया था कि ये कॉमन एसटीपी प्लांट लगाया जाए जैसे जम्मू में लगाया गया है, और मैम इससे खर्चा भी कम होगा और हाउस होल्ड्स, छोटे गेस्ट हाउसेज, शॉप्स, ढाबाज, बड़े होटल्स, इन सब का पर्पस फुलफिल हो जाएगा. दूसरी बात, एसटीपी के नाम पे काफ़ी होटलियर्स डरते हैं. मैम मैं मीडिया पर्सन हूँ, मैं आपको अंदर की बात बताता हूँ, क्योंकि अभी जो नोटिसज आए थे सब होटलियर्स, सब तो नहीं कुछ होटलियर्स जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो मेरे पास आए थे, एंड आई गॉट इट इधर उधर मैंने करवा दिया. मैंने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को फ़ोन किया तो उन्होंने कहा सर नहीं करने की ज़रूरत है, आप इनको इग्नोर कर दीजिए, जब मैंने उनको कॉल किया. लेकिन मैम ये नोटिसेस क्यों आ रहे हैं जब हमारे पास पैसा ही नहीं है. दूसरी बात, जो भी जेई यहाँ पे पॉल्यूशन डिपार्टमेंट से आता है, मैं चाहूँगा कि होटल एसोसिएशन की आप मीटिंग लीजिए, और शायद वो कतराएं, लेकिन मैं आपको अंदर की बात बताता हूँ कि 20 से 50 हज़ार वो हर बार हर बड़े होटल से लेके चला जाता है, 20 से 50 हज़ार, और हम 8 महीने से यहां 1 रुपया नहीं कमा रहे. मैम प्लीज टेक इट सीरियसली, 20 से 50 हज़ार इज अ बिग अमाउंट फॉर एवरी बिजनेसमैन इन कटरा एट दिस मोमेंट. और मैम सबसे बड़ी बात जो है कि मैंने अपने इंटरव्यू में उस जय से बात भी की, बट ही वॉजंट एबल टू आंसर माई क्वेश्चन, और उसके बाद भी ये सब जारी है. ये हो क्या रहा है मैम, पॉलिटिकल सिस्टम तो चलो अभी लैप्स हो चुका है, लेकिन व्हाट डिपार्टमेंट्स आर डूइंग, व्हाट ब्यूरोक्रेट्स आर डूइंग. मैम कोई इनको कील इनके ऊपर ठोकने वाला नहीं है. 50 हज़ार रुपये, 20 हज़ार रुपये, 30 हज़ार रुपये. और जब एसटीपी लग भी जाता है, मेरे साथ यहाँ राजेश जी बैठे होंगे काउंसिलर जिन्होंने अभी बात की, वो 10 बार इनसे परेशान हो चुके हैं. मैम उन्होंने एसटीपी लगा भी लिया है, हर बार आएंगे कोई ना कोई कमी निकाल के चले जाएंगे. अब मुझे पता नहीं है कि व्हाट एसटीपी इज डूइंग एक्चुअली, उसका क्या कल चेंज हो जाएगा, क्या परसों चेंज हो जाएगा, और वो आके कोई ना कोई कमी निकाल के चले जाते हैं. कभी बोलते हैं पानी नाली में छोड़िए, कभी बोलते हैं पानी से गार्डनिंग कीजिए, कभी बोलते हैं कि आज आपका ये खराब है इसको सीमेंटेड कीजिए. मैम एक एसटीपी है, एक आप गवर्नमेंट का बंदा उस पर इंप्लॉय कीजिए जो एक्सटर्नल होना चाहिए उस डिपार्टमेंट से, वो उस पर ऑडिट करेगा और देखेगा एसटीपी एक बार अगर लग चुका है देन व्हाट इज द प्रॉब्लम इन गेटिंग एनओसी. हमारा होटलियर क्यों परेशान हो रहा है, चाहे वो छोटा है या बड़ा है. और मैम आप होटल एसोसिएशन की मीटिंग लीजिए, एवरीबडी विल स्पीक टू यू अबाउट दिस, दिस इज इन देयर हार्ट बट दे आर नॉट स्पीकिंग. उनको ये लगता है कि डिपार्टमेंट्स कल उनके होटल ना बंद कर दें. आई एम अ मीडिया पर्सन, आई एम टेलिंग यू दैट बिकॉज आई हैव कवर्ड इट, आई हैव कवर्ड द इशू ऑन एसटीपीज.
और तीसरी बात मैम, जो सबसे बड़ी बात है जो हमारे कटरा से जुड़ी है, वो है नवरात्रा फेस्टिवल। पिछले 3-4 साल से हमारे नवरात्रा फेस्टिवल को ही खत्म कर दिया। हाउ आर यू प्लानिंग टू मेक ए यात्री स्टे इन कटरा फॉर 8 डेज, फॉर 3 डेज, फॉर 4 डेज इन नवरात्रा? जो झांकियां पहले निकलती थी उनका एक तो क्वालिटी खत्म कर दिया, ऊपर से झांकियां खत्म कर दी। मैम प्लीज टेक इट टू द हायर लेवल एंड टेल देम कि हम भीख नहीं मांग रहे हैं। ये वही कटरा है जब इलेक्शंस होती हैं तो लोग यहाँ आते हैं चंदा लेने के लिए। ये वही कटरा है जो सबसे ज्यादा टैक्स देता है। ये वही कटरा है, द मोस्ट ऑफ द इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज डिपेंडेंट ऑन दैट। देन व्हाई आर यू इग्नोरिंग अस? एंड आई एम टेलिंग यू मैम, कंसिडर इट एज ए वार्निंग, क्योंकि आई एम यंगस्टर, आई एम यूथ ऑफ कटरा, वी विल कम ऑन रोड्स इन फ्यू डेज, आई एम बीइंग अ जर्नलिस्ट, आई एम टेलिंग यू दैट कि हम सड़कों पे आएंगे। क्योंकि मजाक हो गया, हमारी दुकान हो कोई भी चला आता है पैसे लेने। आप प्रॉब्लम बताइए, हम उस प्रॉब्लम को हल करेंगे। जब एक बार 5-6 लाख रुपए का एसटीपी किसी ने लगा दिया तो वो जो जई है, जो अपने आपको पढ़ा लिखा कहता है, वो क्यों आ जाता है बार बार? 500 रुपए का तेल खर्च करता है, लाखों रुपए लेके चला जाता है यहाँ से। मैम नवरात्रा फेस्टिवल का प्लीज कुछ कीजिए, क्योंकि हमारी आस्था से जुड़ा हुआ है। नवरात्रा फेस्टिवल यहाँ कटरा में खत्म हो चुका है। ये सिर्फ इस बार की बात नहीं है पेंडेमिक की वजह से, ये 3-4 साल से हमारी झांकियां खत्म हो गई जिनको यात्री पसंद किया करते थे। यहाँ पे क्वालिटी, जो उनको सामान चाहिए होता है वो हम 10 साल पुराना वही इस्तेमाल कर रहे हैं। पाइप समय चाहिए हो तो वो PHE वाले दे देते हैं। लेकिन टूरिज्म डिपार्टमेंट क्या करता है? टूरिज्म डिपार्टमेंट सिर्फ इतना करता है कि पेंडेमिक के समय जब यहाँ यात्रा नहीं थी तो उन्होंने यहाँ पे वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया गाजे बाजे के साथ। टूरिज्म डिपार्टमेंट को भी आप जरा खींचिए कि हमें नवरात्रा फेस्टिवल बनाने के लिए एक बजट हर साल का तय कीजिए। एंड दैट बजट शुड नॉट बी रिजिड, इट शुड बी डायनामिक, इट शुड गो ऑन इंक्रीजिंग एवरी ईयर। अगर केन्स फेस्टिवल बाहर के देशों में हो रहा है तो हमारे यहाँ पे नवरात्रा फेस्टिवल केन्स फेस्टिवल की बराबरी में क्यों नहीं हो सकता? क्या हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं? वी आर गोइंग टू बी द फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री नेक्स्ट 20 ईयर्स, देन हमें क्या चीज रोक रही है? मैम जो रोक रहा है वो है करप्शन, और उसको इस चीज में खदेड़ने की जरूरत है। मैम दैट्स अ लॉट, थैंक यू।